तो गाइस यहाँ पर जो हमारे सामने आप लोग घर देख रहे हो, ये है पुष्पा मूवी के लीड एक्टर अल्लू अर्जुन सर का घर। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा 2021 में भी एक फिल्म आई थी जिसका नाम था पुष्पा, उसमें जिन्होंने अभिनय किया था, अल्लू अर्जुन सर का ये घर है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल अनुज क्रॉप्स में। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं आज एक नए वीडियो के एक नए अंदाज में। तो फाइनली अभी हम लोग हैदराबाद में, और हैदराबाद आए हुए हमें 2 दिन हो गए हैं। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री के तो हीरो हीरोइन को आप सभी लोग जानते हो कि वो मुंबई में कहां पर रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस आप लोगों को यूट्यूब पर अवेलेबल हो जाएंगे। हम फाइनली पहुंचे हैं हैदराबाद, और हैदराबाद के खड़े हैं जुबली हिल इलाके में, जहां पर साउथ के बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार यानी कि हीरो और हीरोइन रहते हैं। तो उन्हीं में से आज एक का घर हम दिखाने वाले हैं, जिनका नाम है पुष्पा जी। हाँ दोस्तों, पुष्पा के नाम से 2022 में अक्सर लोग उन्हें जानने लगे हैं। हम बात कर रहे हैं साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज अल्लू अर्जुन सर का घर दिखाएंगे कि वो मुंबई सॉरी हैदराबाद में कहाँ पे रहते हैं, क्योंकि यार देखो, आप लोगों ने मुंबई के बहुत सारे एक्टर्स के घर के वीडियो देखे होंगे, लेकिन हैदराबाद हम पहली बार पहुंचे हैं। और हिंदी में वीडियो शायद ये पहला ही आपको मिलेगा, बाकी आपको तमिल तेलुगु में मिल जाएंगे, लेकिन हिंदी में पहला ही वीडियो बनेगा। तो हमारे पीछे जो ये रास्ता देख सकते हो, और यहाँ पे बहुत गर्मी है, टी शर्ट पहने हैं भाई। जनवरी स्टार्ट होने वाली है, आज 26 दिसंबर का दिन है, और हम चल रहे हैं अल्लू अर्जुन सर के घर आप लोगों को दिखाने के लिए। तो वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहिएगा, अल्लू अर्जुन से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। और ये भी बताने वाले हैं कि पुष्पा 2 कब आ रही है, क्योंकि आप लोगों को बहुत बेसब्री से इंतजार है पुष्पा 2 कब आ रही है। तो हम पुष्पा 2 की भी डेट बताएंगे, रिलीज डेट। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस फाइनली अभी हम लोग जो पगडंडी अपनी पकड़ के, यानी कि जो साइड में पैदल चलने का रास्ता था, वो पकड़ चुके हैं। और ये जो सड़कें हैं भाई, एक चीज तो देखने को मिला कि हैदराबाद में सड़कें ठीक ठाक हैं। सिटी के अंदर तो लगभग ऐसी सड़कें होनी भी चाहिए, होती भी है, लेकिन ये जुबली हिल का इलाका है, तो जुबली हिल में ऊंचे नीचे रास्ते हैं, कहीं हमें नीचे चलना पड़ता है, कभी ऊपर चढ़ना पड़ता है, तो ये थोड़ी सी कठिनाई है पैदल चलने में यहाँ पे। और पैर तो भाई जवाब दे ही रहे, क्योंकि कल पूरा दिन हम लोग जुबली हिल में घूमे हैं, और आज फिर से आज चल रहे हैं पुष्पा का घर दिखाने, यानी कि अल्लू अर्जुन सर का घर दिखाने इस वीडियो में चल रहे हैं। और देखा है कई लोगों का वीडियो हमने, तो वो बताते हैं कि वहाँ पे वीडियो बनाने देते तो नहीं है, तो हम भी एक बार ट्राई करते हैं, देखते हैं वीडियो बनाने देते हैं कि नहीं बनाने देते, कोशिश करेंगे आप लोगों को पूरा दिखाने की वीडियो। तो दोस्तों अभी फाइनली हम पहुंचे हैं हैदराबाद में, और हैदराबाद में ये जो हमारे सामने आप लोग घर देख रहे हो, ये है पुष्पा भाऊ का घर। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने 2021 दिसंबर में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था पुष्पा, और उसमें जिन्होंने लीड एक्टर के तौर पर काम किया था अल्लू अर्जुन सर, उनका ये घर है जो कि हैदराबाद के जुबली हिल इलाके में स्थित है। और यहाँ पर देख सकते हो गार्ड भैया बराबर मना किया जा रहा है कि वीडियो मत बनाना, लेकिन हम लोगों ने जैसे तैसे करके फ़ोन को हाथ में पकड़ा हुआ है और फ़ोन से वीडियो शूट किए जा रहे हैं। ये देखिए गार्ड अंदर खड़ा हुआ है, उसको लग रहा है कि हम लोग खड़े होकर सिर्फ देख रहे हैं, लेकिन देख नहीं रहे हम लोग भाई, साथ में वीडियो भी शूट किए जा रहे हैं। इनका अगर थोड़ी सी बायोग्राफी की बात करें इनके, तो इनका नाम अल्लू अर्जुन है इनका वास्तविक नाम, और उपनाम इनका जो है वो बन्नी के नाम से भी इनको जानते हैं, और स्टाइलिश स्टार के नाम से भी इनको जाना जाता है। कभी भी अगर आप लोग देखोगे तो जो नंबरिंग आती है मूवी में, तो स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन लिख के आता है वहाँ पे, है ना। तो इनके जन्म की अगर दोस्तों बात करें, तो इनका जन्म जो 8 अप्रैल 1983 को हुआ था, और 2022 की माने तो ये अभी 39 वर्ष के हो चुके हैं, है ना। इनका जन्म जो बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ था, है ना। इनके पास भारत की नागरिकता है, और बहुत सारी गाड़ियाँ भी हैं भाई। अंदर देखो एक गाड़ी खड़ी है, मर्सिडीज़ एक खड़ी हुई है अंदर ब्लैक कलर की, अभी जूम करके आप लोग को दिखाएंगे, है ना। और ये आलीशान जो बंगलो आप लोग देख रहे हो, ये जुबली हिल के इलाके में है हैदराबाद में, जिसमें रहते हैं अल्लू अर्जुन साहब जी। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हो यहाँ पे जैसा तैसा करके वीडियो हम आप लोगों के सामने शूट कर रहे हैं। बहुत सारे शॉर्ट वीडियो या बहुत सारे वीडियो ऐसे आप लोगों ने देखे होंगे यूट्यूब पर, जिसमें अल्लू अर्जुन सर जी जो दोस्तों इस गेट के पास आप लोगों को नज़र आते हैं चलते चलते, है ना। तो अल्लू अर्जुन सर ने वैसे तो बहुत सारी फिल्में करी हैं, आप लोगों ने देखी होगी, बहुत सारी फिल्में हमने भी इनकी देख रखी हैं। लेकिन अगर इनकी दोस्तों डेब्यू फिल्म की बात करें, उससे पहले आप लोगों को बता दें, इन्होंने MSR कॉलेज हैदराबाद से अपनी विश्वविद्यालय यानी कि अपना कॉलेज कंप्लीट किया है, और सेंट्रल पैट्रिक स्कूल चेन्नई से अपनी स्कूलिंग करी है इन्होंने। इन्होंने स्नातक कर रखा है व्यवसाय प्रशासन में, है ना। अब बात करते हैं इनकी डेब्यू फिल्म की, तो इन्होंने अपना जो है डेब्यू तेलुगु फिल्म से किया था, वैसे ये तेलुगु स्टार हैं, तो इन्होंने तेलुगु फिल्म से ही अपना डेब्यू किया था। एक फिल्म आई थी जिसका नाम था विजयंत, 1985 में फिल्म आई थी, और
बाल कलाकार के रूप में इन्होंने 1985 में इस फिल्म में काम किया था। उसके बाद एक गंगोत्री फिल्म आई थी 2003 में, है ना, जिसमें इन्होंने लीड एक्टर के तौर पर काम किया हुआ था। और परिवार की दोस्तों बात करें इनके, तो इनके पिता का नाम अल्लू अरविंद नाम है, जो कि एक फिल्म निर्माता है। इनकी माता का नाम निर्मला है, जो कि एक गृहिणी है। इनके भाई का नाम अल्लू श्रीस, जो कि एक अभिनेता है, और अल्लू वेंकटेश, है ना, ये हिंदू धर्म से भी बिलोंग करते हैं। बहुत सारे इनके जैसे मामले भी आते रहते हैं, विवादों वाले भाई। और ये देखिए इनके दूसरे तरफ का कुछ ये तरीके का नज़ारा है। ये देखिए ये घर का दूसरा तरफ का भाग है, जो कि साइड व्यू कुछ इस तरीके से दिखता है। दो कैमरे से हम लोगों ने शूट किया है, क्योंकि दो लोग थे तो एक लोग सामने से शूट करते रहे, एक लोग साइड से शूट करते रहे, और गार्ड को पता भी नहीं चला। पसंदीदा अभिनेता इनके चिरंजीवी हैं, और पसंदीदा अभिनेत्री इनकी रानी मुखर्जी है, अपनी बॉलीवुड वाली भैया, क्योंकि चिरंजीवी इसलिए है, चिरंजीवी की पहली फिल्म में इन्होंने काम किया था भाई, है ना। पत्नी का नाम इनकी स्नेहा रेड्डी है, और बेटा का नाम अल्लू अयान, और बेटी का नाम अल्लू आर्रा, ठीक है। 42 करोड़ रुपये कुल संपत्ति इनकी है, 13 से 15 करोड़ रुपये पर फिल्म ये चार्ज करते हैं। ये इधर बटन से बात, बटन से तो गाइस, जैसा कि दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों ने देखा, हमने दिखाया है अल्लू अर्जुन सर का घर, जी हाँ दोस्तों, जो कि हैदराबाद में स्थित है। वैसे आप सभी लोगों को बता दें कि भाई साउथ सुपरस्टारों के घर का वीडियो बनाना इतना भी आसान नहीं है। अगर मुझसे आप लोग कहोगे कि दोबारा जाके फिर घर वो दिखाओ जाके, तो कहीं ना कहीं हमें मुश्किल लगेगा, क्योंकि एक बार में ही जैसे तैसे शॉट हम लोग लेते हैं, फोन को नीचे रख के, जेब में रख के, कहीं ना कहीं रख के घर के शॉट लेते हैं। क्योंकि जितना आसान मुंबई के अंदर है घर के वीडियो बनाना, उतना आसान यहाँ पे नहीं है। मुंबई वाले अपने समझ जाते हैं, कुछ नहीं कहते हैं, यहाँ के गार्ड जो है फटाक से, ए भाई चल, हो गया, चल 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 चल, ऐसे कह के। लेकिन हाँ, एक अभिनेता ऐसे भी हैं यहाँ पे, महेश बाबू, जिनके घर के सामने हम लोगों ने करीब आधे एक घंटे खड़े होकर वीडियो शूट किया, और अच्छे से शूट किया, कोई दिक्कत नहीं वहाँ पे आई हम लोगों को, ठीक है। लेकिन हाँ, बाकी जितने स्टारों के घर पे गए यार, कहीं ना कहीं दिक्कतें पैदा ही हुई हैं हम लोगों को। जैसे तैसे करके वीडियो बस बनाने का मौका मिला है, और हाँ सब जगह दिक्कत ही है, फिर भी आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो यार, और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हो। आप लोगों से निवेदन है कि चैनल पर पहले आप विजिट करो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास में आएगा बेल आइकन दबा के पे क्लिक कर देना, और इंस्टाग्राम पर अभी तक आप लोग फॉलो नहीं किया है तो स्क्रीन पर यहाँ पर यूजर नेम और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, जाइए फॉलो कर लेना, है ना। क्योंकि यार ऐसे ही बहुत सारे साउथ सुपरस्टारों के घर के वीडियो हम लाते ही रहेंगे, और हैदराबाद के जितने भी टूरिस्ट प्लेस हैं अच्छे अच्छे वो भी विजिट करेंगे, वहाँ का भी ब्लॉग अच्छे अच्छे बनाएंगे, आप लोगों को वो भी देखने को मिलेंगे, है ना। तो इस चैनल पे बने रहना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है भाई। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसे नए वीडियो में एक नए एक्टर के घर पर, तो इस वीडियो से विदा लेते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।